हेलो एवरीवन, आज आपको हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर का, जो कि हायर नॉन कार्डेट्स है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें चार यूनिट है। पहले यूनिट में आपको फाइलम एनिलिडा, दूसरे में फाइलम आर्थ्रोपोडा, तीसरे में मोलस्का और चौथे में इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है। चार फाइलम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। यूनिट फर्स्ट जो है आपका फाइलम एनिलिडा, इससे एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। दूसरा, इससे जो स्पेसमैन आपको पढ़ना है, इसके लिए एक लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ निरिस, निरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इसकी फीडिंग मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, पाँच नंबर में जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ईपीटॉकी क्या है, व्हाट इज ईपीटॉकी, या इसी को पूछता है डिफरेंस बिटवीन निरिस एंड हेट्रोनिरिस। टीएस सेगमेंट ऑफ निरिस, एक क्वेश्चन निरिस के सेगमेंट का टीएस, इसका केवल और केवल फिगर ड्रा करना होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, निरिस के अंदर। दूसरा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एक क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है वो है प्रॉन अपेंडेजेस से, तीन अपेंडेजेस हैं, सिफेलिक, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल, इन तीनों में से जरूर क्वेश्चन एक आता है सिफेलिक अपेंडेजेस के बारे में, थोरेसिक अपेंडेजेस या एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन, प्रॉन या पैलियमान का डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में लिखिए। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रांचियल फार्मूला ऑफ प्रॉन, ग्रीन ग्लैंड या एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, कंपाउंड आई ऑफ प्रॉन, प्रॉन के कंपाउंड आई का इमेज ड्रा करिए, या मोजैक विजन या इमेज फॉर्मेशन के नाम से भी पूछ देता है कि मोजैक विजन के बारे में लिखिए। जब पढ़ेंगे आप तो इसमें दो तरीके का इमेज, एपोजिशन और सुपर पोजिशन इमेज, दो तरीके के बनते हैं, तो इस पर भी अलग अलग भी पूछ देता है। एपोजिशन इमेज पे शॉर्ट नोट लिखिए, सुपर पोजिशन पे शॉर्ट नोट लिखिए, या मोजैक विजन पे शॉर्ट नोट लिखिए। फिर पाइला से, मेंटल कैविटी एंड पैलियल कॉम्प्लेक्स ऑफ पाइला, पाइला के पैलियल कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखिए। फिर आर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस या एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पाइला। फिर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम या किस तरीके से ये फूड लेता है। फिर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम या टिनिडियम, टिनिडियम के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ दे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ दे, या कभी कभी इसमें पल्मोनरी सैक के ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछ देता है। नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला, पाइला के नर्वस सिस्टम के बारे में लिखिए। इसके अलावा कुछ एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे केबर आर्गन पे शॉर्ट नोट लिखिए, ट्यूब फीड पे शॉर्ट नोट लिखिए, डिफरेंस लिखिए पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम में, निरिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। किलेट एंड नॉन किलेट लेग्स के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आप पैलियमान पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा। ट्रोकोफोर लार्वा, फाइलम एनिलिडा का लार्वा है। रेडुला या रेडुलर टीथ पाइला में पढ़ेंगे। मेटानेफ्रीडियम, शॉर्ट नोट इसके ऊपर लिखने के लिए। फिर स्पाइरल क्लीवेज क्या होता है, फाइलम एनिलिडा के अंदर स्पाइरल क्लीवेज जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे निरिस का तो उसमें आपको मिलेगा स्पाइरल क्लीवेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेकेंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर का पहले वीडियो में हमने दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट पेपर, अभी इसको पढ़िएगा, जरूर से ज़रूर आपको अच्छा क्वेश्चन इसमें से मिलेगा।